आज चौथा दिन जो पूजन की थाली आपने सिक्के रख रखे हैं उसी पूजन की थाली में जल का छींटा देकर रोली चावल मोली हल्दी से पूजन करना है, लाल पुष्प समर्पित करना है, साथ दो हल्दी की गठान, दो कमल गट्टे, दो तरह का मीठा हो वो आप समर्पित करें, दो अमरबेल के टुकड़े उस थाली में समर्पित करें और निवेदन करें माता लक्ष्मी से, पांच घी के दिए जलाएं, दीप प्रगट करें और माता लक्ष्मी की पूजन अर्चना कर भोग लगाकर माँ से निवेदन करें, माँ हम पांच दिवसीय आपकी आराधना कर रहे हैं जो दीप महोत्सव के रूप में, कृपा करो माँ हमारे घर में धन वैभव लक्ष्मी का भंडार भरो माँ, माता से निवेदन करें और निवेदन करके माँ से तब पांचों दीप उठाकर आरती करिए माता लक्ष्मी की और लक्ष्मी माता की आरती कर उन दीपों को एक दीप वहाँ लगा दीजिए जो सुबह आपने गिरिराज जी का पूजन करा, दूसरा दीप पानी के परिंडे के पास लगा दीजिए जो हंडा आपने पानी का भरा हुआ है, तीसरा दीप घर के हॉल में जो मुख्य द्वार हो उसके पास में, चौथा दीप तुलसी के क्यारे के पास लगाइए, पांचवा दीप जहां पर माता लक्ष्मी का पूजन करा है वहां पर विराजमान करो, ऐसे पांच स्थान पर पांच दीयों को रखो, थोड़ी देर द्वार के पास में माता लक्ष्मी का आवाहन करो, माता लक्ष्मी से विनती करो, हे माँ आप हमारे घर में सदा विराजमान रहिए, और बाबा गोवर्धन नाथ जी से, गोवर्धन का मतलब होता है गो मतलब लक्ष्मी, वर्धन मतलब वृद्धि, जो लक्ष्मी की वृद्धि करने वाले हैं, जो संपदा के देने वाले हैं, लक्ष्मी को प्रदान करने वाले हैं, ऐसे गोवर्धन नाथ बाबा आप हमारे घर में संपदा की वृद्धि करिए, लक्ष्मी की वृद्धि करिए, बाबा से निवेदन करो।